अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व सामान्य तरीके से हम अपने घर में कैसे मना सकते हैं। सुबह 10 बजे तक स्नान कर लीजिए और स्नान करके व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज व्रत रखूंगा या रखूंगी, मैं आज पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जल और फल ग्रहण करिए, दूध जूस नींबू पानी पीजिए या फल खाइए और दिन भर सात्विक रहिए। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने के बाद उनकी मेटल की प्रतिमा, उनकी धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें, बड़े भगोने में, बड़े परात में रखिए। इसके बाद उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से और अंत में गाय के दूध से बने हुए घी से स्नान करवाइए। इस स्नान को पंचामृत स्नान कहते हैं और सबसे अंत में उन्हें जल से स्नान करवाइए। जो चीजें आप भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे, जिन चीजों से उन्हें स्नान करवाएंगे, वो तमाम चीजें शंख में डालकर अर्पित करिए या चांदी की छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें डालकर अर्पित करें। इसके बाद उनका शरीर पोंछिए, उन्हें पीला वस्त्र यानी पीतांबर अर्पित करिए, पुष्प और प्रसाद अर्पित करिए। इसके बाद भगवान कृष्ण को झूले में बैठाकर झूला झुलाइएगा। भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक बड़ी विशेष प्रक्रिया है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी भगवान को झूला झुलाकर अपनी मनोकामना कहता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाइए और झूला झुला करके प्रेम से जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी कामना है, वो कामना कहिएगा। अगर आप अपने घर में जन्माष्टमी नहीं मना पा रहे हैं तो जिसके घर में भी जन्माष्टमी हो रही है, जहाँ भी जन्माष्टमी हो रही है, वहाँ पर जा करके इस उत्सव में जरूर सम्मिलित होइए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।